जनपद में नदियों के घटते जलस्तर के बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति में सुधार नजर आ रहा है। घाघरा सरयू नदी खतरे के निशान के नीचे बह रही है, वहीं राप्ती और रोहिन खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के द्वारा मंगलवार की साया 4 बजे तक की मिली रिपोर्ट के अनुसार जनपद में 383 गाँव अभी भी बाढ़ से प्रभावित है। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 493 नाव लगाई गई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 38,100 लोगों को राहत खाद्यान्न किट एवं तिरपाल तथा जर्किन का वितरण किया जा चुका है। इसके अलावा मेडिकल टीम गठित कर दवाओं का वितरण, पशु चिकित्सा एवं भूसा भंडारण के अलावा NDRF एवं SDRF की टीमें लगाकर बचाव एवं राहत कार्य जारी है। जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि राप्ती और घाघरा खतरे के निशान से 1.88 मीटर ऊपर बह रही हैं तथा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक सप्ताह में खतरे के निशान से नीचे आ जाएंगी। उन्होंने बताया कि बाढ़ पीड़ितों के लिए शासन के द्वारा राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई है, जिसमें अभी तक 40,000 खाद्यान्न किट का वितरण किया जा चुका है और आवश्यकता के अनुसार राशन किट का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के लिए 368 नाव और 50 स्ट्रीमर लगाए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, जनपद गोरखपुर में राप्ती और घाघरा दोनों ही अभी उतार पे हैं। राप्ती अभी खतरे के निशान से लगभग 1.88 मीटर ऊपर बह रही है, परंतु जो अभी पीक था वो खतरे के निशान से 2.32 मीटर ऊपर तक चला गया था। ये अच्छी बात है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक सप्ताह में राप्ती भी खतरे के निशान से नीचे आ जाएगी। सरयू अभी खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर नीचे बह रही है, तो दोनों ही नदियां तेज़ी से नीचे आ रही हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक सप्ताह में बाढ़ की समस्या का से हमें निजात मिल जाएगी। सर, बाढ़ पीड़ितों के लिए बचाव के लिए क्या है? बाढ़ पीड़ितों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई है, जिसका तेज़ी से वितरण कराया जा रहा है। अब तक 40,000 के आसपास किट का वितरण कर दिया गया है। जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ रही है वहाँ राशन किट, भूसा, दवाएं इत्यादि का प्रबंध कराया जा रहा है। सर, कितने नाव लगाए गए? अभी तो इस समय 468 नाव लगी हैं और लगभग 50 स्टीमर लगे हुए हैं, लेकिन ये भी धीरे धीरे जैसे जैसे नदी का जलस्तर कम होगा इनको विड्रॉ किया जाएगा।